नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। यूं तो राजनीति को लफंगों का खेल भी कहा जाता है, लेकिन इसकी असल परिभाषा ये है कि पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर, यानी कि वर्चस्व की लड़ाई है। अभी योगी 2.0 का जब आगाज हुआ 25 मार्च को सीएम योगी ने दोबारा शपथ ली, उसके बाद से इस बात का इंतजार था कि कब पोर्टफोलियो का बंटवारा होगा। 52 मंत्री तो बना दिए, उसमें ऐसे ऐसे चेहरे दिखे जिसके बारे में उम्मीद नहीं थी और ऐसे ऐसे चेहरे गायब हो गए जिसको लेकर के आश्वस्त थे कि हर हाल में मंत्री बनेंगे। जैसे ही पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ, वैसे ही एक सवाल उठा कि आखिरकार मंत्रिमंडल बनाने में किसकी चली और विभागों के बंटवारे में किसके चली। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को, खास तौर से मौर्य को, डिप्टी सीएम हारने के बाद बनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पिछड़ों के नेता होने के नाते केशव मौर्य को वो रोक भी नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत संगठन के तमाम बड़े नेता इस बात के पक्षधर थे कि केशव मौर्य को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। बन गए, लेकिन पहली बैठक में जो नज़ारा पेश आया और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खास तौर से जो फ्री अनाज की बात थी, उसी में सब कुछ साफ हो गया था कि योगी आदित्यनाथ असल में किसको दूसरे नंबर का मंत्री मानते हैं। इंटरनेशनल लॉ में एक डी जूरे होता है और दूसरा डी फैक्टो होता है, यानी कि वैधानिक रूप से क्या है और वास्तविक रूप से क्या है। ठीक उसी तरीके से सीएम योगी ने डिफेक्टो डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक तरह से स्वतंत्र देव सिंह को दी और उनके बगल में सुरेश खन्ना को बिठाया। वहाँ पे बैठना चाहते थे ब्रजेश पाठक, लेकिन आप वीडियो और तस्वीरों में देखेंगे कि कैसे स्वतंत्र देव सिंह को उस चेयर पे बिठा दिया जाता है और केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक को अगल बगल बिठाया जाता है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो बंटवारे की। तो जो आज पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ है, उसमें ये बात निकल करके आई है कि जो चीफ मिनिस्टर योगी हैं, उन्होंने सारे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं और जो चाहते थे केशव मौर्य कि उन्हें किसी तरीके से होम मिल जाए, वो नहीं दिया गया है। फिर इनको क्या मिला, किसके खाते में क्या आया, इससे जो है सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि योगी ने किस तरीके से पोर्टफोलियो का बंटवारा किया है। अपने पास उन्होंने रखा है न्यू रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन, भूतत्व एवं खनिक कर्म, अर्थ एवं संख्या, राज्य एवं निबंधन, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त नियोजन, राज्य संपत्ति, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम क्रियान्वयन अवस्थापना, नागरिक उड्डयन, न्याय, सैनिक कल्याण समेत 24 मंत्रालय। केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनको ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम, राष्ट्रीय एकीकरण। ब्रजेश पाठक जो दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण दिया है। तो आप देखेंगे कि दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जो विभाग मिले हैं, वो कोई ग्राम्य विकास निश्चित रूप से लाभ के हिसाब से, गांव के विकास के हिसाब से, राजनीतिक रूप से जुड़े रहने के हिसाब से ठीक है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं। और ठीक इसी तरीके से चिकित्सा महत्वपूर्ण होते हुए भी उसमें दबाव बहुत होता है। सिद्धार्थनाथ सिंह के पास बहुत दिनों तक ये था। अब बात करेंगे अन्य मंत्रियों की। तो सूर्य प्रताप शाही, पहले भी कृषि उनके पास था, अब भी है, और वित्त संसदीय कार्य सुरेश कुमार खन्ना को मिला है। जल शक्ति, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जल आपूर्ति, सिंचाई और जल संसाधन, सिंचाई यांत्रिकी, लघु सिंचाई, प्रति भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण वगैरह स्वतंत्र देवसी को दिया है। महिला कल्याण, विकास एवं पुष्टाहार बेबी रानी मौर्य को दिया है। गन्ना विकास, चीनी मिले लक्ष्मी नारायण को, पर्यटन एवं संस्कृति जयवीर सिंह, और पशुधन, दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज जो इन्होंने धर्मपाल सिंह को दिया है। औद्योगिक विकास दिया, निर्यात प्रोत्साहन NRI, निर्यात प्रशासन नंद गोपाल गुप्ता को दिया है। पंचायती राज भूपेंद्र सिंह को दिया है। श्रम नियोजन समन्वय अनिल राजभर को, लोक निर्माण जितिन प्रसाद को,
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम खादी ग्राम उद्योग रेशम उद्योग हस्तकरघा वस्त्रोद्योग वगैरह ये दिया है राकेश सचान को। नगर विकास शहरी समग्र विकास नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन अतिरिक्त स्रोत अरविंद कुमार शर्मा को। अरविंद कुमार शर्मा वो हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव थे और प्रधानमंत्री कहा जाता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से VRS लेकर के ये पहुँचे थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए योगी 1.0 में, लेकिन योगी उसके लिए भी तैयार नहीं हुए थे और अब फिर से इनको नगरी विकास दिया है। तो यानी कि जो तीन हस्तियाँ काले केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और अरविंद शर्मा, इनको कोई खास वैसा राजनीतिक रूप से मतलब मैसेज देने वाला डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं दिया है। तो कह सकते हैं कि कैबिनेट के गठन में चला शीर्ष नेतृत्व का और योगी का, लेकिन बंटवारे में जो विभागों का मंत्रालयों का बंटवारा हुआ उसमें चली है योगी के। अब ये देखते हैं कि और भी मंत्रियों को जो उन्होंने पोर्टफोलियो अलॉट किया है, दिया है, एलोकेशन किया है, उसके बाद से कोई सुगबुगाहट तो नहीं होती है, राजनीति कोई करवट तो नहीं लेती है। क्योंकि जितनी ये बात सही है कि जो BJP का शीर्ष नेतृत्व है, जो जोड़ी है वो मजबूत है, उतनी ही ये भी बात सही है कि इस बार जो वोट मिला है वो PM मोदी और CM योगी दोनों के नाम पे मिला है। लिहाजा CM योगी अपनी पूरी चला रहे हैं और उनका बुलडोजर शपथ से पहले ही गरजने लगा था। तो जो भी उत्तर प्रदेश में गतिविधियाँ चल रही है इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इनका।